मशरक में सरकारी अस्पताल में चिकित्सक गायब, स्वास्थ्य सुविधाएं बदहाल, मरीज रहे परेशान। मशरक एक तरफ राज्य सरकार स्वास्थ्य व्यवस्था को लगातार सुदृढ़ करने का दावा करती है, जबकि हकीकत कोसों दूर है। चिकित्सक के नहीं रहने के चलते सारे दावे जमीन पर हवा हवाई साबित हो रहे हैं। आलम यह है कि शुक्रवार को मशरक के सरकारी अस्पताल में धरती के भगवान कहे जाने वाले चिकित्सकों के नहीं रहने से मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा, लिहाजा मरीजों का सही इलाज प्रश्न बना हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मशरक के प्रभारी नहीं है, वही ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक का कोई अता पता नहीं है। मरीजों ने बताया है कि जब आपको बता दे चले लगातार पर्चा बनवाने के लिए वो लोग लाइन पे लगे रहते हैं और बोले हैं कि चिकित्सक जहां है वो आपको बता दे चले, वही जब अंदर गए तो देखा कि चिकित्सक नहीं है। चिकित्सक के नहीं रहने से घंटों मरीज परेशान है। सेमरी मुखिया प्रतिनिधि दिलीप सिंह ने बताया है कि ऐसी बात नहीं है, सरकारी अस्पताल में सरकार बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करा रही, पर चिकित्सक और कर्मचारियों के रवैये की वजह से मरीजों को समुचित लाभ नहीं मिल पा रहा है। आर्थिक लाभ से मजबूत लोग निजी अस्पतालों में चले जा रहे हैं, लेकिन गरीब लाचार चाहे तो चाहे कहाँ। तो आपको बता दे चले मशरक से खबर है, जहां एक तरफ राज्य सरकार स्वास्थ्य व्यवस्था को लगातार सुदृढ़ करने का दावा करती है, लेकिन हकीकत कुछ और है। चिकित्सक के नहीं रहने के चलते सारे दावे हैं वो जमीन पर हवा हवाई साबित हो रहे हैं। और आलम यह है कि शुक्रवार यानी आज मशरक के सरकारी अस्पताल में धरती के भगवान कहे जाने वाले चिकित्सकों ने के नहीं रहने से मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करे लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करे www.dikshans.com। क्या नाम है आपका? मैं ग्राम पंचायत सिमरी मुखिया प्रतिनिधि हूँ। मशरक हॉस्पिटल का इतना हालत खराब है, यहाँ एक भी डॉक्टर नहीं है। और ये क्या है वो जो चला रहे हैं, CSO द्वारा यहाँ हॉस्पिटल का कार्यभार चढ़ाया जा रहा है। और यहाँ DM साहब से यही आग्रह है कि इन गरीबों को किस भगवान भरोसे छोड़ दिए हैं। हम यही चाहते हैं DM साहब से और स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव जी से कि गरीबों ने क्या कसूर किया है कि हॉस्पिटल में जो इतने कम से कम 2 लाख की यहाँ संख्या है, इस स्वास्थ्य केंद्र में लगभग 2 लाख लोगों की संख्या है और इनको भगवान भरोसे बताइए, CSO के सामने डॉक्टर एक भी नहीं है। और वो जो है क्या क्वेश्चन का, CSO का सहारे ये हॉस्पिटल चलाया जा रहा है, यही स्वास्थ्य की हालत है। और बताइए कोई किसी मरीज के साथ अगर उल्टा सीधा हो जाएगा इसका जिम्मेवार कौन लेगा, DM साहब लेंगे? कहाँ बने डॉक्टर से कोई सुई बन लिख दू मर जा तो वह कहाँ भाग बनी हो डॉक्टर साहब भाग बनी हो का कहनी हो मैं चल बनी है झगड़ा जो भल के केकरा से झगड़ा ना भइल हां कहले नहीं के और हां वहां का काज ने का उन बात भइल खिसिया आए रहे खिसिया के चल चल बनी है ऐना कोने लोग हमने के देख ना कोने से ना उजे खरे तरह नहीं हां तो का कोने में वहां का लाइन में रोनी हसन ना बागा परल से चल बनी है उठ के दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर UKG के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के YouTube चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।